राजस्व विभाग की कार्य प्रणाली में हो रहे बदलाव व जमीन संबंधित कार्यों के लिए विभाग में प्रयोग किए जा रहे सॉफ्टवेयर के बारे में नंबरदारों को जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। बीडीपीओ कार्यालय के सभागार में आयोजित इस कार्यशाला में डीसी करनाल आदित्य धैया जीआरओ व तहसीलदार ने घरौंडा इलाके के नंबरदारों को नए नियमों की जानकारी दी। नंबरदारों को संबोधित करते हुए डीसी आदित्य धैया ने गांव में जाकर आज भी लोग नंबरदारों को बड़ा मानते हैं। धैया ने कहा कि सरकार ने सभी तरह की कार्य डिजिटल कर दिए हैं, जिसके तहत डीसी से लेकर तहसीलदार का कार्य कंप्यूटर करता है। हालांकि सरकार ने किसी भी तरह की तस्दीक का जिम्मा आज भी नंबरदारों को दे रखा है। मीटिंग में नंबरदारों की तरफ से कई तरह की शिकायत रखी गई। नंबरदारों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद गांवों में तालाब खत्म किए जा रहे हैं। पंचायतें मनमर्जी से तालाबों को बंद कर पार्कों व अन्य इमारतों को बनवाने में जुटी है। बैठक में डीसी ने नंबरदारों को चेताया कि शाम लात भूमि पर कब्जे हो रहे हैं, जिसमें भविष्य में सार्वजनिक कार्य व पौधारोपण के लिए जगह नहीं बचेगी। आदित्य धैया ने नंबरदारों को हिदायत दी कि वे शामलात भूमि पर होने वाले कब्जों को रोकने में सरकार की मदद करें और शामलात भूमि की रजिस्ट्रियों की तस्दीक ना करें। जी सर, आज हमारे जो नंबरदार बुजुर्ग भाई हैं घरौंडा तहसील और घरौंडा सब डिविजन के, उनके साथ हमने एक कार्यशाला शिविर रखा था, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हिसार में घोषणा की गई थी, उनके उपरांत इनकी सभी की हमारे नंबरदारों की ट्रेनिंग, इनको नियम के बारे में अवगत कराना तथा जो नई प्रणालियां राजस्व विभाग में आ रही हैं उनको अवगत कराने बारे कार्यशाला की गई है। इसमें बहुत ही नंबरदारों द्वारा अच्छे सुझाव भी आए हैं, जिनको हम क्रियान्वित करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि नंबरदार भाइयों के साथ मिलकर जो एक बेहतर राजस्व प्रणाली है हम अपने गाँव में सभी हदबस्तों में लागू कर सकें, वो आज हमारा प्रयास है। नंबरदारों की तरफ से रखे गए हैं उनको लेकर किस तरह हमारे नंबरदार भाइयों ने आज बहुत सी इसमें बातें ऐसी भी रखी हैं जो किसी एक गांव से संबंधित या जनरल है, उन सबको भी हमने नोट किया और हमारा प्रयास रहेगा कि राजस्व विभाग की प्रणालियों में जो जो कमियां उनको दूर किया जाए, जो नंबरदारों की और जो हमारे राजस्व अधिकारी हैं पटवारी का रूप, इनके बीच की दूरी को कम किया जाए, एक बेहतर प्रणाली लागू किया जा रहा है। रोड पर पार्कों का निर्माण किया जा रहा है या धर्मशालाएं बनाई जा रही है, जो तालाब है जोहड़ है उनको हम बंद रिजिस्ट कर सकते हैं, परंतु उन आदेशों की अवहेलना की जा रही है, उन पंचायतों के खिलाफ या जो उनके कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं है। शिकायत करते हैं तो संबंधित वीडियो कह देता है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रूव्ड है, ग्राम पंचायत को इतनी पावर थोड़ी हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करें।